तो है गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। गाइस आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे Realme बर्ड्स 2 न्यू की साउंड क्वालिटी, माइक क्वालिटी, बैटरी बैकअप एंड BGMI टेस्ट। क्योंकि आपको पता है ये जो प्रोडक्ट है वो बिग बिलियन डे सेल के अंदर काफ़ी ट्रेंडिंग प्रोडक्ट था, वो मैंने मंगवाया है और मेरी वीडियोज़ देखकर आप लोगों ने भी काफ़ी ने ये प्रोडक्ट मंगवाया है। तो गाइस आज के इस वीडियो में हम जानेंगे इसकी साउंड क्वालिटी के बारे में कि कैसी साउंड क्वालिटी है। जिन भाइयों का प्रोडक्ट आ चुका है उनका तो मेरे पास में मैसेज आ गया है कि अच्छा प्रोडक्ट है, लेकिन जिनका नहीं आया है उनके मन में काफ़ी सवाल है कि भाई कैसी साउंड क्वालिटी है, कैसे क्या इसके अंदर फीचर है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ साउंड क्वालिटी, तो गाइस साउंड क्वालिटी A1 क्वालिटी की है। आपको पता होगा जो मैं Realme बर्ड्स वायरलेस 1 वाला जो यूज़ करता हूँ उससे भी गजब की इसकी साउंड क्वालिटी है, उससे भी ज़्यादा बेस इसके अंदर है। काफ़ी बंदे मुझे कमेंट करके बोल रहे हैं कि भाई ये जो प्रोडक्ट है उसके अंदर हमको जो साउंड क्वालिटी है वो बेस्ट नहीं मिल रही है। तो भाई आपको मैं बता दूं आपको बेस्ट क्यों नहीं मिल रही है, क्योंकि ये जब ये प्रोडक्ट आगे से आता है पैक होके हमारे पास में, तो ये होता है ब्राइट मोड के अंदर, जिसमें कि हमको बेस बहुत कम मिलता है और जो मतलब कि वॉइस होती है वो बहुत लो क्वालिटी वाली मिलती है। जब ये आगे से आता है तो ब्राइट मोड में आता है, हमको इसको डायनेमिक या बेस बूस्ट मोड में खुद से करना पड़ता है। वो आप कैसे कर सकते हो, Realme लिंक के एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करिएगा, डाउनलोड करने के बाद में इसको उससे कनेक्ट करिएगा, कनेक्ट करने के बाद में आपको वहां पर 3 मोड मिल जाएंगे, जिसमें कि फर्स्ट मोड होगा बेस्ट बूस्ट, दूसरा होगा डायनेमिक, तीसरा होगा ब्राइट। तो आपको इसको डायनेमिक या फिर बेस्ट बूस्ट मोड में सुनना है, आपको एक सरप्राइज वाली साउंड वहां पर देखने के लिए मिलेगी। मुझे काफ़ी पसंद आया प्रोडक्ट, साउंड क्वालिटी में भी काफ़ी गजब की इसकी है, मुझे काफ़ी पसंद आई। तो साउंड क्वालिटी के लिए अगर आप ले रहे हैं तो गाइस काफ़ी बढ़िया प्रोडक्ट है, और जिन भाइयों ने ले लिया है और उनको अभी तक भी साउंड क्वालिटी बेस्ट नहीं मिल रही है, तो भाई आप Realme लिंक के एप्लीकेशन से कनेक्ट करके इसका जो मोड है वो चेंज करो, आपको साउंड क्वालिटी बेटर देखने के लिए मिलेगी। सेकेंड बात आती है बैटरी बैकअप की, बैटरी बैकअप कैसा चल रहा है। तो आपको पता है कि इसके अंदर आपको 17 घंटे का बैटरी बैकअप मिल जाता है, जो कि डिपेंड करता है आपके यूजर्स पर कि आप उसको कैसे यूज़ कर रहे हैं। तो मेरा बैटरी बैकअप मैं आपको बता देता हूँ, जब मैं इसको मंगवाया था कल दिन में 1 या 2 बजे मेरे पास में डिलीवर्ड हुआ था, तो उस टाइम मैंने अपने फ़ोन से इसको कनेक्ट किया था, उसकी जो बैटरी थी जो आगे से मेरे पास में आई थी वो थी 80%, ये फुल ऑन चार्ज था उस टाइम। उसके बाद में मैं खुद ने आपके सामने वीडियो बनाई थी, अनबॉक्सिंग वीडियो मैंने शूट करी थी, उसके बाद में मैंने नाइट में गेम भी खेला, सॉन्ग भी सुना, जो वीडियोस मेरी थी उसको एडिट भी मैंने किया, सुबह भी मैंने जो वीडियो अपलोड की थी वही इससे ही एडिट की थी, मैंने सॉन्ग सुन रहा था, गेम वगैरह सब कुछ खेल रहा था। उसके बाद में जो अभी इसकी बैटरी बैकअप बचा है जिस टाइम मैं वीडियो ये शूट कर रहा हूँ, 40% अभी भी इसका बैटरी बैकअप बचा हुआ है, यानी कि कल दिन से मैं यूज़ कर रहा हूँ और अभी तक इसका जो बैटरी बैकअप है वो 40% है, यानी कि 80 से 40% आया है। इसका मतलब 40% बैटरी ही इसकी ड्रेन हुई है, जबकि मैं इसको जब गेम खेल रहा था तो गेमिंग मोड में खेल रहा था। आपको पता है गेमिंग मोड में सुनने पर, गेमिंग मोड ऑन करके गेम खेलने पर बैटरी बैकअप ज़्यादा खत्म होता है, और साथ ही अगर आप बेस्ट बूस्ट पे सुन रहे हो तो वहाँ पर भी आपको बैटरी बैकअप थोड़ा ज़्यादा खत्म होता दिखता है। तो उतने में मैंने सब कुछ यूज़ किया, फिर भी मुझे बैटरी बैकअप काफ़ी पसंद आया, क्योंकि 80% बैटरी बैकअप था और अभी भी इसका जो बैटरी बैकअप है वो 40% चार्ज है, यानी कि मुझे अभी भी कोई नीड नहीं है इसको चार्ज करने की। और इसमें आपको पता है कि टाइप सी पोर्ट मिल जाता है जो कि फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, तो आप 1.5 से 2 घंटे में इसको फुल ऑन तरीके से चार्ज कर पाओगे। अब नेक्स्ट बात आती है माइक क्वालिटी की, तो गाइस अभी जो मेरी वीडियो शूट हो रही है वो हो रही है इस मेरे बोया माइक से, जो कि मैं यूट्यूब वीडियो शूट करता हूँ इसी से, तो मैं इसको अपने फ़ोन से कनेक्ट करता हूँ, फिर इसकी आप वॉइस सुनिएगा कि कैसी आपको माइक क्वालिटी इसकी मिल रही है। क्योंकि और आपको जिसने कल मेरा लाइव सेशन देखा होगा उनको पता होगा कि कैसी इसकी माइक क्वालिटी है, क्योंकि मैं सारा लाइव कल इसी नेकबैंड से कर रहा था। जिसको पता है वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जिसको नहीं पता तो मैं चेंज करता हूं अपने बोया माइक को और लगाता हूं ये वाला माइक, फिर आप देखिए कि कैसा आपको यहां पर माइक क्वालिटी देखने के लिए मिलती है। नेक्स्ट, तो गाइस जो बोया माइक है वो मैंने हटा लिया है, अब जो आपको वॉइस सुनने के लिए मिल रही है, जो माइक क्वालिटी आपको मिल रही है वो मिल रही है आपको इस नए नेकबैंड से, जो कि है Realme वायरलेस 2 न्यू। अब आपको यहीं पता चल रहा होगा कि इसकी जो माइक क्वालिटी है वो कैसी है। मैंने कल रात जो भी लाइव सेशन किया था, लाइव सेशन के अंदर मैंने इसी से सारा लाइव सेशन किया था, तो आपको उस टाइम भी पता चल गया होगा कि कैसी माइक क्वालिटी इसकी आपको देखने के लिए मिलती है। तो वैसे अगर आप लेते हैं तो आप देख सकते हैं आपके सामने है इसकी सारी माइक क्वालिटी। अगर आप चाहते हैं कि आफ्टर मार्केट मतलब बाहर मार्केट में जाकर मैं इसका माइक टेस्ट करूं तो आप बता दीजिएगा, मैं वो भी आपके सामने कर दूंगा। तो वापस से अपना बोया माइक सेटअप करते हैं और इसके बाद में हम गेमिंग टेस्ट की तरफ चलते हैं कि गेमिंग टेस्ट हमको इसमें कैसा देखने के लिए मिलता है। तो वैसे आप देख सकते हैं मैंने अपना बोया माइक वापस से लगा लिया है, सेटअप हो चुका है। अब मैं आपको बताता हूं कि गेमिंग टेस्ट पर आपको कैसा परफॉर्मेंस इसका देखने के लिए मिलता है। तो चलते हैं अपने फोन की तरफ, सेकेंडरी फोन हाथ में लेता हूं
और गेमिंग ऑन करके आपको बताता हूँ कि कैसा हमको गेमिंग मोड वहाँ पर देखने के लिए मिलता है। तो वैसे आप देख सकते हैं मैंने गेम ओपन कर लिया है जो कि है BGMI, मैंने ओपन कर लिया है। मैं आपको बताता हूँ कि कैसा एक्सपीरियंस हमको इस ब्लूटूथ पर इसका देखने के लिए मिलता है। तो जो मेरा माइक है वो मैं इसके जो ईयरबड्स है उसके पास मैं लेकर जाता हूँ, फिर मैं आपको गन शॉट बताता हूँ। पहले मैं आपको नॉर्मल मोड में बता रहा हूँ, फिर मैं आपको जो गेमिंग मोड ऑन करके फिर बताऊँगा कि आप देखिएगा कितना डिफरेंस आपको इसमें देखने के लिए मिलता है। तो वैसे आप देख सकते हैं जो माइक है वो मैंने यहाँ पर लगा दिया है। अब गेमिंग मोड पे आप देखते हैं कि गेमिंग में आपको जो मैं शॉट दिखाता हूँ वो आपको कितनी देर में मिलते हैं। मैं आपको फिर से बता देता हूँ, ये जो है वो अभी ओनली फॉर नॉर्मल मोड में है। आप देखिएगा कि कितनी देर में शॉट आपको देखने के लिए मिलता है। तो वैसे आपने देखा मैंने अभी नॉर्मल मोड में इसको चेक किया है। अब मैं वापस से इसको जो गेमिंग मोड है, जो स्पेसिफिक गेमिंग मोड आपको इस ईयरबड्स में मिलता है, वो हम चेक करके देखते हैं। तो वैसे मैंने इसका गेमिंग मोड है वो ओपन कर लिया है। अब हम देखते हैं कि गेमिंग मोड ओपन करने के बाद में जो लेटेंसी है वो हमको क्या देखने के लिए मिल रही है। तो वैसे आपने देखा जो गेमिंग मोड था वो जब मैंने नॉर्मल मोड पर उसको यूज़ किया था तो वहाँ पर जो आपको साउंड था वो थोड़ा डिले करके देखने के लिए मिल रहा था, यानी कि गन शॉट हो रहा था लेकिन कुछ टाइम बाद में आपको साउंड मिल रहा था। लेकिन जैसे ही मैंने उसको गेमिंग मोड पर यूज़ किया तो आप देख सकते हैं कि एक्यूरेट टाइम पर आपको साउंड देखने के लिए मिला था। जब भी आप गेमिंग मोड यूज़ करोगे तो आपको साउंड क्वालिटी काफ़ी बेटर मिलेगी, लेटेंसी वहाँ पर वर्क करती है जिससे कि आपको साउंड काफ़ी कम टाइम में वहां पर देखने के लिए मिल जाता है, यानी कि एक्यूरेट टाइम पर आपको वहां पर जो साउंड होता है गेम का वो देखने के लिए मिल जाता है। अब आप पूछते हो मुझे कि भाई लो लेटेंसी क्या होती है, गेमिंग मोड क्या होता है, तो ये आपके सामने है कि जब मैं नॉर्मल मोड पर विदाउट गेमिंग मोड खेल रहा हूं तो आपको कितना देरी से वॉइस आ रहा है, और जैसे ही मैंने गेमिंग मोड ऑन किया तो आप देख सकते हैं कि कितना जल्दी से आपको वो साउंड देखने के लिए मिल रहा है। तो गेमिंग मोड यही होता है कि लेटेंसी कम हो जाती है और एक्यूरेट टाइम पर आपको साउंड देखने के लिए मिलता है। यानी कि जितने मैंने टेस्ट आपको सामने किए हैं, चार टेस्ट मैंने किए हैं, माइक टेस्ट, बैटरी टेस्ट और सेकंड आपको जो साउंड क्वालिटी है उसके बारे में बताया, एक गेमिंग टेस्ट था, तो चार मैंने चीज़ें आपको बताई है। चारों चीज़ों में अभी तक ये नेकबैंड पास हुआ है क्योंकि गेमिंग मोड भी आपको काफ़ी अच्छा मिल जाता है, साथ में साउंड अच्छे मिल जाते हैं, माइक क्वालिटी अच्छी मिल जाती है, साथ में ही बैटरी बैकअप भी काफ़ी अच्छा मिल जाता है। तो वैसे अगर आपने इसको खरीदा होगा तो आप इन्जॉय कर रहे होंगे, और जिस भाई का अभी तक प्रोडक्ट नहीं आया है तो भाई वेट करिए, आपका जैसे ही प्रोडक्ट आता है आप भी इन्जॉय करोगे क्योंकि प्रोडक्ट मुझे काफ़ी पसंद आया है। आपको पता है कि मैं Realme वायरलेस 1 वाला यूज़ करता हूँ लेकिन इसकी साउंड क्वालिटी मुझे उससे भी बेटर लगी है, जो कि काफ़ी बढ़िया है, बेस आपको काफ़ी बढ़िया यहाँ पर देखने के लिए मिल जाते हैं। तो गाइस ये थी छोटी सी वीडियो, अगर इसी ब्लूटूथ से रिलेटेड और कुछ भी आपके सामने क्यूरी हो, कुछ भी मन में सवाल उठ रहे हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। अभी तक तो ये प्रोडक्ट मेरे पास ही है, अगर कुछ क्यूरी होती है, कुछ वीडियोज़ और बाकी रहती है तो मैं आपके सामने इसकी वीडियोज़ रख दूंगा। और बात करें सेल की, आने वाला सेल है दिवाली सेल, उसमें आपको कौन कौन सी वीडियोज़ देखना है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं इसके बाद में एक वीडियो अपलोड करूंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या ऑफर्स हमको इस नए सेल में देखने के लिए मिल सकते हैं, तो वो वीडियो का इंतजार करिए, सब्सक्राइब करके रखिए चैनल को ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।